गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल पे एमएस पेंट को कैसे चला सकते हैं और एक कंप्यूटर के जैसे उसमें ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान है, हमें इसके लिए किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल का यूज़ करके भी आप एक ड्राइंग, अच्छी ड्राइंग जो है बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, वो सिंपल सा स्टेप को फॉलो करके हम अपने मोबाइल में जो है ड्राइंग बना पाएंगे। चलिए बच्चों, जल्दी से हम सीख लेते हैं कि अपने मोबाइल पे हम ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, कैसे एमएस पेंट को हम उसमें कंप्यूटर के जैसे ओपन कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अपने मोबाइल आपने लेना है और मोबाइल में आपका नेट चलता होना चाहिए। तो मोबाइल जैसे लोगे उसमें आपने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ढूंढना है, जहाँ पर लिखा होगा क्रोम, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे CHROME क्रोम लिखा हुआ है। तो आपने क्या है कि अपने मोबाइल से क्रोम को क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो एक क्रोम ब्राउज़र आपके पास ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो विंडो, ये बार आ रहा है आपका सर्च और टाइप वेब एड्रेस, यहाँ पे आपने लिखना है JSPAINT.APP। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें तो आपने क्या टाइप करना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, JSPAINT.APP। तो ये JS.app एंटर लिख करके आपने एंटर करना है। क्या करना है, आपने एंटर दबाना है। एंटर दबाते ही आपके उसमें पेंट जो है ओपन हो जाएगा। ये देखो, जैसे कंप्यूटर में हमें ओपन होता है वैसे यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी छोटी आएगी क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन है और कंप्यूटर की स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है। आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, नीचे जो ये स्क्रॉलिंग है आप इस स्क्रॉल का यूज़ करके इसको पेज को आगे पीछे लेफ्ट राइट की तरफ मूव कर सकते हैं। ये देखो, जैसे पेंट में हमारे पास नीचे कलर प्लेट आती है तो यहाँ पर भी आपको कलर प्लेट दिखाई दे रही है। ये साइड में आपका टूल बॉक्स है, इस टूल बॉक्स का यूज़ करके आप ड्राइंग बना सकते हैं। ऊपर ये जो ऑप्शन है जिसे फाइल है, फाइल में जाके हम इसको सेव कर सकते हैं, एडिट में जाके कट कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, व्यू में इसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन जो आपको कंप्यूटर में दिखाई देती हैं, वही सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मोबाइल पे दिखाई देंगी। और इस टूल का यूज़ करके आप किसी भी प्रकार की अपनी ड्राइंग बड़े आराम से बना पाओगे। तो चलिए हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं। जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और कलर पेंसिल का कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी कलर आप चूज़ कर लेते हो। आपको रेड चाहिए, ब्लैक चाहिए, येलो चाहिए, आप अपने मन पसंद का कोई कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ब्लैक नज़र आ रहा है और नीचे वाइट नज़र आ रहा है। जो ऊपर ब्लैक जो होता है वो आपके ड्राइंग का कलर होता है। जैसे मैंने पेंसिल ली है तो पेंसिल से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन का कलर है जो हम शीट के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं उसका कलर है। और नीचे जो बैकग्राउंड वाइट नज़र आ रहा है ये आपके बैकग्राउंड कलर है। अगर देखो, इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं अगर बैकग्राउंड इसको चेंज करूँगा तो मैं मान लीजिए इसको ये वाला कर देता हूँ, ऊपर ग्रीन हो गया ये, तो और नीचे का भी कलर मैं सेलेक्ट करके देखो ये वाइट हो गया, और बैकग्राउंड में कर देता हूँ कुछ और कोई भी। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसा कलर हम चाहें वहाँ पे उसको कलर को ले सकते हैं और वैसे ही कलर की आप इसमें ड्राइंग जो है बना सकते हैं। अब मैंने इसको येलो सेलेक्ट किया है तो ये येलो में अभी येलो में करेगा। अगर मैं इसको और रेड करना चाहता हूँ तो ये रेड में चलेगा। तो अगर इसको मिटाना है आपने, तो मिटाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये इरेजर है तो इरेजर को आप यूज़ कर सकते हो। इरेजर आप सबको पता है वैसे, तो इरेजर आपने लिया तो इरेजर को यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इरेजर को से लेके आप इसको मिटा भी सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फिंगर्स को यूज़ करके, ना ही आपने कोई माउस यूज़ करना है तो आप फिंगर का यूज़ करके बड़े आराम से आप इसमें पेंटिंग जो है आप कर सकते हैं। कोई बॉक्स बनाना है तो आप बॉक्स भी ले सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे कोई बॉक्स लिया तो बॉक्स को सिलेक्ट करोगे और इस बॉक्स को आप यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर दोगे। इसमें जो भी कलर आपने भरना है, तो ये बकेट उठाओगे यहाँ से, ये बकेट है,
कलर के लिए भरना है, अगर हमने कोई अपने ड्राइंग में कोई कलर भरना है तो आप इस बकेट का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी कलर जैसे ग्रीन येलो लेना है तो आप यहाँ पे बगल के क्लिक कर दोगे तो आपका ग्रीन कलर यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने इसको पार्टीशन करना है तो यहाँ लाइन आप यूज़ कर सकते हो, लाइन का साइज नीचे आपको दिखाई दे रहा है, मोटी कितनी मोटी आपने लाइन चाहिए तो आप उसी उतनी मोटी लाइन को यूज़ करके आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। अब यहाँ लाइन आपको नहीं ड्रा हो रही है कोई भी, क्योंकि इसका कलर जो है ग्रीन है और आपकी सीट का कलर भी ग्रीन है, तो हम उसको पहले कलर चेंज कर लेंगे। तो हमें उसको मान लो वाइट करना है तो हम उसको वाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम उसको अभी ब्लैक किया है मैंने, तो मैं इसको कोई और कलर कर लेता हूँ। यहाँ से आपने वैसे वाइट को सेलेक्ट कर लेना है सीट से, तो यह मैंने आपको स्काई ब्लू कर लिया, तो इस तरीके से ये जैसे आपको यहाँ पे स्काई ब्लू कलर की लाइन आ गई है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने पेंट को मोबाइल पे कैसे चलाना है। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और नीचे मैंने जो वेबसाइट का लिंक दिया है तो उस वेबसाइट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टेप लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ के अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और उसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं।